नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाकर दिखाएं, तो हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक लगते रहिएगा। तो देखिए अरहर का जो है रेड बहुत अच्छा जो है फूल खिला हुआ है, देख लीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम चलेंगे अब। तो ये मुरई का दोस्तों फूल है, इसे बीज के लिए छोड़ा गया है। तो सुबह सुबह दोस्तों खेत में आए हुए हैं, तो चलिए आप लोगों के यहाँ से हम थोड़ा सा जो है गाजर पहले लेंगे। तो फरसा दोस्तों गाजर को खनेंगे, मट्टी जो है थोड़ा सा टाइट है, हाथ से नहीं उखड़ेगा। तो देखिए ऑरेंज कलर जो है ये है, लाल भी रहता है गाजर, काला भी रहता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो बहुत ही छोटे छोटे जो है निकल रहे हैं गाजर, पर बहुत ही स्वादिष्ट रहता है दोस्तों। जितना कम सिंचाई होता है उतना ही गाजर मीठा होता है, इसलिए सिंचाई कम हुई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मोटा एक गाजर है किनारे, तो इसे हम खनेंगे। बहुत ही लंबा नहीं था, छोटा ही था। ऐसा मिट्टी को हमने हटाया हुआ, चलिए हाथ से उखाड़ते हैं। बहुत ही ये देखिए थोड़ा सा कम उखड़ा हुआ था मिट्टी, तो नहीं उखड़ पाया। तो एक गाजर बहुत ही मोटा है, देखिए पत्ती से भी दिखाई पड़ रहा है, तो इसे खन के देखेंगे। ये देखिए इतना मोटा निकला हुआ है, पर लंबा नहीं है। तो ऐसे ही बहुत ही आराम से सुबह सुबह हम खा लेंगे। जरूरत के हिसाब से हमने खा लिया है, अब हम लेकर चलेंगे। लाइव हमने थोड़ा सा रख लिया हुआ है, और ये देखिए हाथ में। पानी आ रहा था, यहीं से हम गाजर जो है जो साफ कर लेंगे। तो इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है धूप निकलना रहा है, तो खेती जो है बहुत जल्दी जल्दी सिंचाई करना पड़ रहा है किसान लोग को। और नई सब्जियां जो है लगना स्टार्ट हो गई है फरवरी से। तो गाजर के जो है पत्तियों को हमने अच्छे साफ कर लिया हुआ है, और जड़ को भी चलिए से हम निकाल दें, धोकर दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। तो बहुत अच्छे जो है पानी जा रहा था खेत में, तब से हमारा जो है गाजर भी साफ हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमने चूल्हा जो है इकट्ठा किया हुआ है, सब कुछ तैयारी। तो नया लहसुन जगह हमने उखाड़ा हुआ है, इसे धो लिया है, मिट्टी लगा हुआ था। गाजर को हम आप कद्दूकस करेंगे यहाँ से लेकर, अच्छे से धोया हुआ था। तो गाजर का हम बनाएंगे खीर, तो देखिए बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, देखिए इतना हमने कद्दूकस किया हुआ है। तो अब हम लहसुन का छिलका उतारेंगे, उसके साथ देखिए दूसरी रेसिपी बनाएंगे। तो लहसुन छिलके हमने नहीं उतारा हुआ है, अभी नया है, बहुत ही मुलायम है, इसे हम ऐसे ही रख देते हैं। तो पहले से हमने आग को जला रखा था, अब इसमें हम रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। चना दोस्तों हम पूड़ी बनाएंगे, देखिए चना को हमने 3 घंटा पहले से भिगो कर रखा हुआ, तो अच्छे से फूला हुआ है। तो सरसों का तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं जीरा। तो जीरा चटकने के बाद मिर्चा को डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन। तो लहसुन को ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, बस हल्का सा पकाएंगे नरम होने पर। नरम हो गया लहसुन, अब इसमें डाल देते हैं गर्म मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तो इसे भी हल्का सा हम भूनेंगे, जैसे जले ना। चना के दोस्तों पूड़ी बनाएंगे तो इस तरीके से भून कर बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए इसे हम मसाले में तड़के में अच्छे से भूनते हैं। कर दिया हुआ जैसे इसमें धीमी धीमी आग से अच्छे जो है चना हमारा पके। तो इसी समय हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, तभी आटे में जो है नमक डाला जाता है उसी हिसाब से डालेंगे। तो इसमें हमने पानी नहीं डाला हुआ है, वैसे ही भुना हुआ है, तो अब इसे हमें बीच बीच में चलाते रहेंगे और ढक देंगे,
आंच को कम रखेंगे। तो चलिए दाल को हम चेक करते हैं कितना मतलब पका हुआ है। तो देखिए बहुत ही अच्छे जो है ये पका हुआ है, हल्का से एक मिनट तक और हम इसे ढक देंगे। तो पूरी के लिए दोस्तों जो आटा हमने तैयार किया हो इसमें हम डाल देंगे हल्का सा नमक, नमक डाल कर अच्छे से मिला देंगे। तो पहले से दोस्तों आटा जो है गूंथ कर रखा गया रखा रहता है तो बहुत ही अच्छे जो है पूरी तैयार होती है। तो अब इसे हम गूंथ देंगे। तो आटा को हमने गूंथ लिया, उसे हम ढक कर रखेंगे। तो कढ़ाई को हम उतारेंगे, दाल हमारा अच्छे से भून चुका है। तो इसे हम थाली में निकाल लेंगे ठंडा, तो थोड़ा सा फैला देंगे ठंडा हो जाए, उसके बाद पीसेंगे। खीर के लिए काजू और चावल को हम पीस लेते हैं, उसके बाद हम पूड़ी के लिए पीसेंगे। जो काजू है थोड़ा सा महीन पीसेंगे। तो चावल और काजू को हमने पीस लिया, उसे हम थाली में उठा लेते हैं। तो अब हम दाल को पीसेंगे। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छे जो है पका हुआ है, तो अच्छे से पीस ले रहे हैं। पूरा हमने पीस लिया हुआ है, अब उठाएंगे। तो अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डाल देते हैं देसी घी, घी को अच्छे से पिघलने देते हैं। तो घी हमारा पिघल चुका है, अब इसमें डाल देंगे गाजर को। ज़्यादा इसे हम भूनेंगे नहीं, हल्का से जो है घी में अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अच्छे से फैला देंगे। बस गाजर को मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे चीनी। तो दूध भी डालेंगे, अभी खोआ भी डालेंगे, थोड़ा उसी हिसाब से चीनी को डालेंगे। चीनी को डालने के बाद हल्का से इसे हम ढक देंगे। तो हल्का से देखिए पिघलना स्टार्ट हो गया, तो चीनी को हम मिला देंगे, ढकेंगे जैसे गाजर जो है नरम हो जाए अच्छे से। तो चीनी अच्छे से घुल चुका है, देखिए एकदम सीरा बन चुका है। डालेंगे दूध, दूध डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो अब हम चावल और काजू को भी डालेंगे, अब इसे मरका चलाएंगे चावल जो है। तो काजू और बादाम को हम काट लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए खीर में। खीर में हमारे देखिए उबाल आ गया है, और ये देखिए गाजर को हमने ज़्यादा भूना नहीं था, लच्छेदार एकदम हमारा खीर बनेगा। खीर हमारा देखिए काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें खोआ। ये देखिए डालकर इसे अच्छे से हम चलाएंगे जिसे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो खीर हमारा बनकर तैयार हो गया, चलिए उतारते हैं चूल्हे पर से, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं कितना स्वादिष्ट जो है बना हुआ है। देखिए ढेर सारा जो है मैंने दूध जो है डाला हुआ था, बगल बगल में देखिए जो साड़ियाँ पड़ी है उसे हम बार बार छुड़ाते जा रहे थे, पकाते जाते रहे थे। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों लगा बना हुआ है खीर हमारा, ये देखिए एकदम लच्छेदार जो है गाजर हमारा दिख रहा है, अब गाढ़ी गाढ़ी एकदम बन रही है। तो अब हम चना का जो है पूड़ी बनाएंगे खीर के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खुशबू भी आ रही है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हमारी वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो काजू और बादाम को ऊपर से डाल देते हैं, चूल्हे पे ही डालना था मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं, देखिए अच्छा लग रहा है। तो पूड़ी के लिए जो है चकई हम काट लेते हैं, थोड़ा सा पूड़ी के लिए चकई जो है बड़ी काटी जाती है जैसे अच्छे से उसमें भर सके पीठी को, देखिए इस तरीके से। तो अब हम सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा कटोरी जैसा गोल बनाएंगे, तो जितना ज़्यादा बनाए रहेंगे उतना ज़्यादा जो है पीठी जो है इसमें भरने में आसानी होता है। अब पीठी को भरेंगे, पीठी तो इस तरीके से रहता है थोड़ा सा गीला गीला, तो भरने में जो है अच्छा आसानी रहता है, टूटता नहीं है, चाहे जितना जो है भर सकते हैं ख़राब नहीं होगा। जितना भर भरी रहता है दोस्तों उतना ही बेलने में आसानी होता है। तो इस तरीके से चारों तरफ से मोड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसे हम निकाल देंगे, नहीं थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा आटा आटा दिखाई पड़ता है। तो पला पलट के देखिए अच्छे से मैंने घुमा लिया है, अब हल्के हाथ से इस तरीके से दबाएंगे। अब सूखा आटा लगाकर इसे हम बड़ा करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से दबाएंगे। बेलते हैं, ऐसे ही दूसरी पूड़ी को हम भरेंगे, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा जो है भरेंगे तो अच्छा लगता है खाने में। फिर दबाते जाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा छोटा करते जाएंगे इसके मुंह को। इसे में भी एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल देंगे,
अब इसे तावे में हल्का सा हम सरसों का तेल लगाएंगे और पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पूड़ी को डाल देते हैं तावे पे, तो हल्का सा घुमा देंगे। तो इसी तरीके से दूसरी पूड़ी को भी बेलते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से जो है पूड़ी जो है बेला जाता है। तो ये वाली पूड़ी को हम पलटेंगे। तो सरसों के तेल से जो है पूड़ी जब बनता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इस तरफ हमने तेल लगा दिया है, पलट के इस तरफ पर साइड भी लगाएंगे। तो दोनों साइड लगा दिए हैं, अब पलट पलट के हम पूड़ी को जो है अच्छे से पकाएंगे, इसे जले ना। तो पूड़ी जो है अच्छे से हमारा देखिए फूला हुआ है दोनों साइड, अच्छे से चीटी भी पड़ी हुई है। तब इसे हम उतारेंगे दोनों साइड से, अच्छे से आप लोग दिखा दिया है। पलट में हम रख देते हैं पूड़ी को, पूड़ी को हम डाल देते हैं तावे पे। बहुत ही अच्छे जो है फूली फूली हमारा बन रहा है खीर के साथ। दोस्तों ये पूड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस साइड भी हम पलटेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया। आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा घुमा घुमा करके पलटना पड़ता है जैसे अच्छे से सीख जाए और ज़्यादा जले भी ना। बहुत ही अच्छी अच्छी जो है पूड़ियाँ हमारा बन रहा है। इसको बनाने थोड़ा सा समय लगा, चलिए हम खाने को परोसेंगे। अब देखिए गाजर के खीर हल्का सा जो ठंडा होने पे गाढ़ा हो जाता है, तो देखिए इसी प्रकार से गाढ़ा हो गया, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी जैसा रखा हुआ था, इसे परफेक्ट उतरे। और देखिए कटोरे में हम परोस लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा दोस्तों बना हुआ है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं फाड़ कर। देखिए अंदर तक बहुत ही अच्छे से है। हमने बनाया हुआ है खीर और पूड़ी, और दादी लोग को बहुत ज़्यादा खीर और पूड़ी पसंद रहता है, इसलिए दादी को परोसते हैं। ये खटिया बैठ रही है दादी। अरे हम इतना हम ना खाबो। तू बैठे बाहर। अरे हम ना हम इसको खाबो। दादी को एक ही परोसेंगे, एक ही खाएंगे। नहीं चल ठीक से बढ़िया दादी। बल्कि आज हमने गाजर का खीर बनाया हुआ था और चने का पूरी, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।